इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। घर बनाते हैं लोग पैसा, इतना पैसा लगाते हैं घर बनाने के ऊपर, इतना पैसा लगाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फरमाया सबसे ज्यादा बेबरकत माल वो है जो इस मिट्टी में लगता है, ये टाइलें लग रही हैं, ये एसेसरीज लग रही हैं, ये दुबई से आई है, ये जर्मनी की बनी हुई है, ये जैपनीज हैं जी, मैं वहाँ से मंगवाई हैं मैंने। अल्लाह अकबर, किस लिए मंगवाई हैं? अल्लाह अकबर, किस लिए मंगवाई हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चीज़ों के लिए पैसा दिया है, अरबों को भी अल्लाह ने पैसा दिया और हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैसा दिया हुआ है, लेकिन हमारा पैसा खुदा की कसम इसराफ और तबज़ीर में जाया हुआ है। मुसलमान महरूम हैं बेचारे, और मुसलमान हैं बेचारे कि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते, लेकिन हम इन फजूलियात के अंदर लगे। अल्लाह ने फरमाया कि फजूल खर्ची ना करो, ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई, और शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है। और अगर इंसान के पास वसत नहीं है, इंसान के पास गुंजाइश नहीं है, कोई आ जाता है ज़रूरतमंद और कहता है कि जी मेरी मदद करें, तो फिर इंसान को गुस्सा बड़ा चढ़ता है। उधर जेब में पैसे नहीं है, उधर ये पैसे लेने आ गए, मांगने आ गए, ये कहता है मेरी मदद करो, मुझे कर्ज़ा दे दो, मुझे सपोर्ट करो। फरमाया गुस्से में ना हो, कुल्लहुम कौलम मैसूरा, नरमी की बात करो, अच्छा अब तो गुंजाइश नहीं है, अल्लाह ने आसानी फरमाई तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ दावत करूँगा। और फरमाया ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुका, बंदा ऐसे ना कर, देना ही नहीं, हर शय कुटी जदरे मारे लॉकर च रखी, हर शय हवा भी नहीं लगन देनी, पूछो की हाल है, कुछ ना पूछो, बुरे ही मंदे, बड़े ही मंदे, ते गड्डियाँ बन दी जाती हैं, कोठियाँ बन दी जाती हैं, और बिजनेस ही फैलते जाते हैं, प्लाट ही खरीदे जाते हैं, और कुछ ना पूछो, कुछ नहीं बचता। उधर रोते रहना है कि बचता कुछ नहीं, और इधर उड़ाई जाना है। अल्लाह अकबर, ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और ये भी नहीं है कि सारा ही लुटा दो और बाद में फिर परेशान होकर बैठ दो, नहीं, दरमियाना रास्ता अख्तियार करो। लम युसरफू व लम यक्तरू, ना फजूल खर्ची करो ना बखीली करो, मकाना बैना दानी का कवामा, दरमियाना रास्ता अख्तियार करो। और फिर इसके बाद फरमाया बंदा किसी की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता, बंदों की ज़रूरत अल्लाह ही पूरी करे, हाँ सपोर्ट करना होता है, मदद करना होता है बंदे को, स्टैंड मेरा मालिक ही करता है, ज़रूरत उसकी अल्लाह ही पूरी करता है।